आप सभी को नमस्कार, मैं गौरव। आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूं ICSR फेलोशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कह सकता हूं कि एग्जैक्टली तैयार करना चाहिए। और सबसे पहले एक छोटा सा आप सभी को रिमाइंड करा दूँ कि आप जब ICSR फेलोशिप का फॉर्म भरें और जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी आप हार्ड कॉपी में भेजेंगे, सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है या फिर अपलोड करना है साइट पे, ठीक है। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे अब हम उस पर बात करेंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिटेल में पूरा ICSR फेलोशिप के कॉन्टेक्स्ट को रखा था, जिसमें कैसे क्या भरना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। अब जो वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि एक वीडियो ये हो गया कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। अगले वीडियो में मैं ये बात करूँगा आप सभी के साथ कि ICSR फेलोशिप में जो आप सिनॉप्सिस अपलोड करेंगे, जो रिसर्च प्रपोजल आप प्रपोज करेंगे, वो आप अपलोड करेंगे, वो कैसे करेंगे और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, उस पर हम डिटेल में एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था। इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ, 7004459007, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ सिंसियर और जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो ही आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, अदरवाइज वीडियोस आपके लिए काफ़ी है। फिलहाल आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है कि आपको आप PhD इनरोल होंगे, ये तो कंपलसरी है। दूसरा, आपका कोर्स वर्क कम्प्लीटेड होना चाहिए। तीसरा, आपका गाइड अलॉटेड होना चाहिए। चौथा, आपका जो टॉपिक है PhD का वो फाइनलाइज होना चाहिए आपके डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी की ओर से और BOS की जो बोर्ड ऑफ स्कूल स्टडीज होती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है, उसके द्वारा फाइनलाइज होना चाहिए, ठीक है। कुछ माइनर चेंजेस रहेंगे तो वो इन फ्यूचर चेंज हो सकता है, अदरवाइज मेजर चेंज अगर आप करते हैं तो आपका कह सकते हैं कि ICSR फेलोशिप में नाम आया हुआ या फिर सेंक्शन हुआ हुआ अमाउंट भी वापस हो जाएगा और आपका ICSR फेलोशिप रद्द हो जाएगा, कैंसिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो PhD रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उसमें आपको कोर्स वर्क कंप्लीट होना चाहिए, गाइड एंड टॉपिक फाइनल होना चाहिए, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट के रूप में PhD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपको देना होगा। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा इसमें क्या रहेगा, तो सिंपली अगर आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में किसी ने भी ICSR फेलोशिप कर लिया होगा तो आपके डिपार्टमेंट में या फिर यूनिवर्सिटी में फॉर्मेट होगा। अगर फॉर्मेट नहीं है तो वो फॉर्मेट भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में स्क्रीन पर यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब रही बात इसमें रहता क्या है, आपको सिंपली समझना है, क्योंकि मैं जो फॉर्मेट दिखा रहा हूँ वो इंग्लिश में नहीं हिंदी में है, ठीक है। आप हो सकता है आपका डिपार्टमेंट और इंग्लिश में काम करता होगा, तो बेसिकली आपका इस PhD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नाम होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या एडमिशन नंबर आपके डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी में है वो होगा, आपका जो भी फाइनलाइज टॉपिक है PhD रिसर्च टॉपिक जो आपका है वो होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे जिसके अंडर आप जिसके सुपरविजन में जो आपका रिसर्च गाइड या सुपरवाइजर होगा उनका नाम होगा और लिखा हुआ होगा, इस एग्जाम्पल बता देता हूँ कि ये प्रमाणित किया जाता है कि गौरव कुमार वर्धा समाज कार्य संस्थान में PhD नामांकन संख्या इतना, PhD में इस विषय पर समग्र ग्रामीण विकास की भारतीय दृष्टि पर शोध निर्देशक डॉक्टर के बाला राजू के निर्देशन में अपना शोध कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे में आपके अपने शोध निर्देशक का या फिर आपके HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर अगर डायरेक्टर चलता होगा तो डायरेक्टर का साइन होगा एंड स्टैम्प होगा, दोनों कंपलसरी है, साइन एंड स्टैम्प दोनों कंपलसरी है, ठीक है। ये हो गया PhD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको एक चाहिए पहला। दूसरा, आपको चाहिए एज सर्टिफिकेट या फिर कह सकते हैं कि टेंथ का जो आपका मार्कशीट होगा, दैट इज इनफ एंड मोर देन इनफ फॉर एज सर्टिफिकेट, उसको एज सर्टिफिकेट के रूप में आपको वो चाहिए होगा, टेंथ का मार्कशीट, ठीक है, जिसमें एज लिखा होना चाहिए, ध्यान रहे। तीसरा, आप अगर SC ST OBC से आते हो तो वो सर्टिफिकेट आपका चाहिए, ठीक है। अगर आप पर्सन विथ डिजेबिलिटी है आप, तो उसका जो होता है सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगला है, अगर आप JRF हैं, नेट हैं, तो वो आप अटैच करेंगे सर्टिफिकेट। फ़ायदा क्या होगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपको एज़ कम्पेयर टू अदर रिसर्च स्कॉलर्स जो अप्लाई करेंगे उससे कह सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज आपको मिलेगा अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो, ठीक है। अगला है SLET, अगर कोई स्टेट से आप नेट पास हैं तो आप वो यहाँ पे अटैच करेंगे। मास्टर्स का डिग्री सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्या चाहिए, मार्कशीट नहीं चाहिए, याद रखिएगा।
आपको क्या चाहिए, मास्टर्स का जो भी आपका एमए होगा, एमएससी होगा, एमकॉम होगा, उसमें आपका डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से बैचलर जो अंडर ग्रेजुएट है उसका भी आपको डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एनेक्स्टर बी और एनेक्स्टर सी आपको साइट पे दिया गया है, वो क्या है, एनेक्स्टर बी में है फॉरवर्डिंग लेटर फ्रॉम सुपरवाइजर इन फॉर्मेट अटैच, जो फॉर्मेट दिया गया, अगर आपको वो फॉर्मेट नहीं पता है, वो फॉर्मेट चाहिए, तो वो फॉर्मेट भी आपको मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के नीचे भी मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अब एनेक्स्टर सी फॉरवर्डिंग लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, अब दो आपको ये सॉफ्ट कॉपी में वर्ड फॉर्मेट में ही इस वेबसाइट पे ही जब वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करते हैं, नीचे में आपको बॉटम ऑफ द वेबसाइट आपको ये दोनों फॉर्मेट दिए गए हैं, डाउनलोड करना है। अब जो बी वाला फॉर्मेट है, एनेक्सर बी है, वो आपके गाइड से आपको फिल कराना है, जिसमें कि आपके गाइड का नाम, गाइड का डिजिग्नेशन, गाइड किस डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटी में है वो, उसके बाद गाइड ने अभी तक कितने पीएचडी कराए हैं, कितने पीएचडी अभी चल रहे हैं, कितने पीडीएफ करा चुके हैं, कितना साल का एक्सपीरियंस है, ये सब उसमें फिल करना है। उसके बाद नीचे आपका एक तरफ नाम होगा और आपका साइन होगा, और एक तरफ आपके गाइड का नाम एंड साइन और डेट एंड एड्रेस होगा, ठीक है। उसी तरह से आपको जो एनेक्सर सी है उसमें आपका, अगर आप यूनिवर्सिटी से हैं तो रजिस्ट्रार होगा, अगर रजिस्ट्रार नहीं है तो आप कॉलेज से होंगे तो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल नहीं है तो डायरेक्टर होगा, वहाँ पर स्लैश सर्कल दिया गया, ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं, उसके बाद नीचे आपका नाम आएगा जो कॉलम दिया गया है, फिर कॉलम के बाद फिर आपका डिपार्टमेंट आएगा, फिर यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, फिर उसके बाद नीचे में आपका जो भी आपका ऑथराइज पर्सन है, रजिस्ट्रार हो, डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो, उनका साइन होगा एंड उसका स्टैम्प कंपल्सरी है, स्टैम्प एंड साइन, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी रिक्वायर्ड हैं आपके अपने ICSR फेलोशिप के एप्लीकेशन को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। इन डॉक्यूमेंट्स को आप जितने जल्दी तैयार कर लेंगे उतना अच्छा आपके लिए। और एक मेजर बात आप सबसे कहना है कि आप फॉर्म को मतलब धीरे धीरे कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप में भरना स्टार्ट करते, इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करें बिना किसी मिस्टेक के और बिना रिजेक्शन आने वाले समय में हो, उसको ध्यान में रखते हुए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स ये आप तैयार कर लीजिए। आप सभी को बेस्ट विशेस, आप सभी का ICSR फेलोशिप 2023-24 में जरूर से जरूर कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।